गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर, यूएस फाउंडेशन से। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था 9 रीजन ऑफ एब्डोमिन के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एब्डोमिनल कैविटी को 9 भागों में बांटा गया था, जिसे मैंने सारे ऑर्गेन के नाम उसमें इंक्लूड कर दिया था। अब जो है हम लोग देखेंगे कि जो भी ऑर्गेन्स हैं उस सारे ऑर्गेन्स के इंट्रोडक्शन से लेकर के उसके सिचुएशन से लेकर के ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, फंक्शन, सारे कुछ को अब हम ऑर्गेन के वन बाय वन देखते हैं, जिसमें आज का जो हमारा पहला ऑर्गेन है किडनी। ठीक है, पहला जो ऑर्गेन है किडनी। अब जो है हम लोग आज किडनी के बारे में जानेंगे कि ये किडनी कहाँ पर स्थित होता है। ठीक है, उस 9 रीजन के एब्डोमिनल भाग में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किडनी किसे कहते हैं और क्या काम करता। तो किडनी जो है हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है। ठीक है, किडनी इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गेन। एक्सक्रीटरी मतलब होता है बाहर निकालने वाला। हमारे शरीर में जो भी लिक्विड पदार्थ यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है, वो निकालने का, फिल्टर करने का काम हमारा किडनी करता है। ब्लड में जो भी हमारे वेस्टेड प्रोडक्ट आ जाते हैं, उस वेस्टेड प्रोडक्ट को किडनी ही फिल्टर करता है और फिल्टर कर करके यूरेटर में देता है, और यूरेटर जो है यूरिनरी ब्लैडर को, और यूरिनरी ब्लैडर देन जो है यूरेथ्रा के माध्यम से हमारा शरीर के ब्लड के अंदर के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गेन। तो जो किडनी हमारा वो एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है, कहाँ का? तो हमारे शरीर का। ठीक है, वो क्या काम करता है? तो विच रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, हमारे शरीर के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको वो रिमूव करता है, निकालता है। कब? मेटाबॉलिज्म में। जो भी हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म होता है, चाहे वो एनाबॉलिज्म हो चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो, इस दोनों की क्रिया में जो भी वेस्टेड प्रोडक्ट हमारे ब्लड में आता है, उस सारे वेस्टेड प्रोडक्ट को किडनी फिल्टर करता है और वो निकालने का काम करता है। नेक्स्ट क्या करता है? एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, हमारे शरीर में अगर वाटर ज़्यादा होगा, पानी की मात्रा ज़्यादा होगा, उस एक्सेस ऑफ वाटर को भी ये किडनी क्या काम करता है? फिल्टर करने का काम करता है। साथ ही साथ साल्ट को भी। ठीक है, वाटर हो या साल्ट हो, उसको भी ये फिल्टर करता है। और लास्टली जो है हमारे शरीर के पावर ऑफ हाइड्रोजन, डेट मीन्स पीएच, ठीक है, उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि पीएच वैल्यू में अल्कलाइन और एसिड होता है। अगर ये अल्कलाइन और एसिड मीडिया में अगर हमारा बॉडी जाता है, तो हमारे बॉडी के सेल टिश्यू में बहुत ज़्यादा इंज्योर होने का चांसेस बढ़ जाएगा। इसलिए हमारे शरीर में जो भी पीएच का मेंटेन करने का काम होता है, वो हमारा किडनी ही करता है। इसको हम लोग एक लाइन में देख ले, किडनी इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक लाइन में हम लोग बोलेंगे किडनी इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा? विच रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड एक्सेस ऑफ वाटर एंड साल्ट। ठीक है, जो भी हमारे शरीर के एक्सेस ऑफ वाटर और साल्ट होगा, उसको भी रिमूव करने का काम करता है। और लास्टली जो है ये मेंटेन करता है साल्ट फ्रॉम द ब्लड। कहाँ से? ब्लड में से। ठीक है, ब्लड में जो भी हमारा साल्ट रहेगा और एक्सेस वाटर रहेगा, उसको वो रिमूव करता है। और लास्टली मेंटेन इट्स पीएच वैल्यू। ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है, वो उसको मेंटेन करने का काम भी हमारा किडनी करता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा देख ले किडनी कैसा होता है।
ठीक है, तो ये हमारा किडनी है, ये राइट किडनी हो गया, ये हो गया हमारा लेफ्ट किडनी, ठीक। यहाँ हो गया रीनल आर्टरी, ये हो गया रीनल वेन, ठीक, और ये हमारा यूरेटर। ठीक, तो ये है हमारा किडनी, तो ये राइट साइड का किडनी हुआ, ये लेफ्ट साइड का किडनी हो गया। दैट मींस हमारे शरीर में जो किडनी होता है वो पेयर होता है, तो हमने लिख दिया द किडनी आर ए पेयर इन आवर बॉडी। तो हमारे शरीर में जो किडनी होगा जोड़े में होगा वो ये है, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये किडनी जो है ये दोनों पेयर में होता है, और ये लेफ्ट साइड और राइट साइड होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये किडनी हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये किडनी जो है हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित है, जिसको हम लोग पोजीशन से जानेंगे, पोजीशन, ठीक है, या फिर लोकेशन भी कह सकते हैं। तो हम लोग पोजीशन से देखते हैं कि किडनी जो है हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित होता है। किडनी इज लाइज, लाइज मतलब होता है स्थित होना, तो ये कहाँ पर स्थित है, पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, यानी कि हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है ये, ठीक है, ये जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, इस कैविटी के पोस्टेरियर मतलब पीछे की तरफ, एंटेरियर मतलब सामने की तरफ, तो एब्डोमिनल कैविटी के पीछे की तरफ, दैट मीन्स पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल में हमारा किडनी स्थित होता है, ठीक है। अब वो जो पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल में है वो भी दोनों साइड, वन ऑन ईच साइड, ठीक है, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, पीछे की तरफ से हमारे राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ स्थित होता है ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, द किडनी इज ऑक्युपाइड, तो हमारा किडनी जो है कौन कौन से 9 रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी को ऑक्युपाइज करता है, किस किस ऑर्गेन में ये आता है, उसके बारे में मैंने हम लोग चले देखने। इसीलिए मैंने आप लोग को 9 रीजन ऑफ एब्डोमिन पहले ही बता दिया था, जिससे आप लोगों को क्लियर हो कि जो भी ऑर्गेन है वो किस किस रीजन में स्थित है। तो चलिए, तो द किडनी इज ऑक्युपाई, सबसे पहला है हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। तो हम लोग पहले 9 रीजन ऑफ एब्डोमिन का पिक्चर बना लेते हैं, उसके बाद किडनी को सेट करेंगे उसमें। एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है, और ये हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन मतलब राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, उसके बाद लंबर रीजन, ठीक है, और लास्टली ये अम्लाइकल रीजन, मतलब ये हमारे 4 रीजन में स्थित है, एपिगैस्ट्रिक रीजन, राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, लंबर रीजन एंड अम्लाइकल रीजन। तो ये जो किडनी स्थित है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि जो हमारा किडनी है ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, उसके बाद एपिगैस्ट्रिक रीजन, उसके बाद है राइट लंबर रीजन एंड ये अम्लाइकल रीजन, ये चारों रीजन को ये कवर कर रहा है जो हमारा राइट किडनी है, ठीक है। उसी तरह हम लोग देखते हैं लेफ्ट किडनी जो है हमारा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन एंड
अमलाइकल रीजन, ये चारों रीजन को कवर कर रहा है लेफ्ट किडनी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लोकेशन में लिखा है द किडनी इज ऑक्यूपाई द एपिगैस्ट्रिक रीजन, राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। लंबर में भी दोनों आ जाएगा, राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट लंबर रीजन, उसके बाद अमलाइकल रीजन। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये कहां तक होता है, तो एक्सटेंडेड फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ वर्टिब्रा T12, मतलब थोरैसिक वर्टिब्रा जो होता है हमारा सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, ठीक है, सैक्रम और कॉकिक्स होता है। ठीक है, तो ये थोरैसिक 12 12 नंबर वर्टिब्रा से लेकर के लंबर 3 वर्टिब्रा तक रहता है। ठीक है, तो ये हमारे किडनी का लोकेशन हो गया, पोजीशन हो गया, जिसको हम लोगों ने अभी देखा है। ठीक है, अब जो है इस चीज को आप लोग अच्छे से नोट कर ले, देख ले, और जहां भी दिक्कत हो वो आप लोग पूछ ले। इससे पहले इस पोजीशन के बाद आप लोग इसके नीचे एक किडनी का अच्छा सा डायग्राम बना लीजिएगा, जिसमें एक तो रिनल आर्टेरियल सप्लाई और वेनस सप्लाई का होना चाहिए और दूसरा पोजीशन का होना चाहिए। इस दो पिक्चर को पोजीशन के नीचे बना करके आप लोग फेयर में तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है अब हम लोग आगे देखेंगे, आज के लिए इतना ही, ओके।